शहरों में कहाँ मिलता है वो सुकून जो गांव में है, जो माँ की गोदी और नीम पीपल की छांव में है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मेरा गांव पर एक निबंध। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार कोश को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। यह सच भी है क्योंकि भारत की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा गांवों में ही निवास करता है। गांव भारत देश की रीढ़ की हड्डी है क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और कृषि गांव में ही होती है। इसलिए भारत के विकास में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरों की तुलना में यहां के लोग बिना किसी उतावलेपन के और बिना किसी अतिरिक्त चिंता के साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर भारत देश को सही मायनों में पहचानना है तो गांवों में जाकर देखना होगा, क्योंकि आज भी गांव भारत के गांवों में पुरानी संस्कृति जिंदा है। आज भी वहां पुराने विचारों को अपनाया जाता है और उन्हीं पुराने ढंग से सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। हर त्योहार को मिलजुल कर मनाया जाता है। मेरा गांव बुगाला राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां पर सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे गांव में करीब 300 से ज्यादा घर हैं। सब ज्यादातर लोग खेतों में ही रहते हैं। यहां पर आज भी पुराने जमाने की तरह किसी के यहां विवाह हो या फिर अन्य कोई आयोजन हो तब सभी लोग वहां पर कार्य करवाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और उस समय ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे गांव में शिक्षा को लेकर भी विकास हुआ है। यहां पर सरकार द्वारा सीनियर सेकेंडरी तक सरकारी स्कूल भी बनवाई गई है। इस स्कूल में गांव के और आसपास की ढाणियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। हमारे गांव में सभी मुख्य रास्तों पर सरकार द्वारा सड़क बनवा दी गई है, जिससे शहर जाने में अब असुविधा नहीं होती है। हमारे गांव में आयुर्वेदिक अस्पताल भी खोला गया है, जिससे गांव के लोग अपना इलाज करवाते हैं। हमारे गांव की एक अलग पंचायत भी है, जिसमें गांव के आपस के झगड़े पंचायत में ही सुलझा लिए जाते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत आंगनवाड़ी भी बनवाई गई है। हमारे गांव में एक छोटा पोस्ट ऑफिस भी है। हमारे गांव के ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और यही उनकी आजीविका का साधन है। यहां पर गेहूं, मक्का, मूंगफली, बाजरा आदि की फसल मुख्यतः बोई जाती है। सिंचाई के लिए यहां कुछ खेतों में ट्यूबवेल की सुविधा है, लेकिन ज्यादातर खेत मानसून की बारिश पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए कभी अच्छी फसल होती है तो कभी नहीं भी होती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग गरीब ही है। हमारे गांव के कुछ लोग आजीविका के लिए लघु उद्योग चलाते हैं और कुछ लोग मुर्गी पालन, पशु पालन करके भी अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ पर संचार साधनों के रूप में मोबाइल और टेलीफोन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर अब बिजली की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे अब पूरे गांव में लगभग पूरे दिन बिजली रहती है। हमारे गांव में चारों ओर हरियाली है। यहाँ के सभी लोग हसमुख और मिलनसार है। हमारा गांव सही मायनों में एक आदर्श गांव है। धन्यवाद।